समझा देता हूँ। आइए तो आपके साथ हम कर लेते हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 3। मैं निकाल लेता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, मेरे पास एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन तो निकाल लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म विद रेशियो ऑफ 3:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1 है। नाउ दे एडमिटेड सी। अब सी का एडमिशन हुआ है फर्म में, सी का एडमिशन हो रहा है फर्म के अंदर, और एडमिशन के समय डिसाइड हुआ है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज एक्सिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। कहता है एडमिशन के समय कि जो पीएसआर होगी बिटवीन बी एंड सी वो सेम होगी या इक्वल होगी, सेम होगी, रेशियो है ना, पीएसआर की बात है, सेम होगी दैट ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी, यही बात कही है उसने। आगे क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। कहता है कैलकुलेट करो न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो, इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है। एक तो ये मांगा है क्वेश्चन ने, दूसरी डिमांड ये है। तो आइए सबसे पहले तो यहां देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर पर जाएं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा हमारा, ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, लग रहा है कंफ्यूजिंग मुश्किल, पर ध्यान से देखो आप। यहां अगर आप देखें क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि रेशियो जो है ना ए और बी की जो है ऐसी ही रेशियो बी और सी की भी होनी चाहिए। तो लेट्स एज्यूम, लेट्स टेक कि जो शेयर ऑफ सी इज एक्स, उसको एक्स ले लो आप। ठीक है, अगर इसको एक्स लेते हो तो आपस की रेशियो में देखें, देयरफॉर शेयर ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी का रेशियो आ जाएगा 3x, 3 गुना, यही तो रेशियो है ए और बी के। तो इनकी रेशियो हो गई 3x हो गई। अच्छा, अब साथ में अगर हम बात करें ए और बी की रेशियो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ए की रेशियो क्या है, ए की रेशियो बी का भी 3 गुना है। तो अगर ए सी की एक्स है, बी की 3x है, तो ए की क्या होगी, ए की रेशियो हो जाएगी 3:3x यानी कि 9x। तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, देयर फोर न्यू पी एस आर इज इक्वल्स टू न्यू पी एस आर ऑफ ए बी एंड सी इज 9x इज टू 3x इज टू एक्स, या आप कह सकते हैं और 9:3:1, ये इनकी न्यू पी एस आर आ गई। ठीक है जी, अब मुझे बताओ ये क्लैरिटी है या नहीं है। अब जैसे ही न्यू पी एस आर आ गई, उसके बाद सेक्रीफाइजिंग वगैरह निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। आइए अगले पार्ट पर चलें, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है ओल्ड माइनस न्यू। हम हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, चाहे सेक्रीफाइज हो या गेन हो। आइए पार्टनर्स के नाम देखें, ए और बी। ए और बी के लिए चाहिए, इसकी रेशियो थी 3:4, 1:4, और नई रेशियो क्या हो गई है 9:10:13, 9:13 एंड 3:13। चलो इन दोनों का एलसीएम लो, 13 और 4 का कितना हो जाएगा 26, 52, 52 ले लेते हैं। कितने से गया, ये 13 से गया, 13 गुना में 3, 39 माइनस ये गया 4 से, जरा 9 चौक में कितने हो गए 36, 18 36 ना, 3:52। और यहां भी देखो, यहां भी एलसीएम वही 52 ले लेते हैं, 52 आपने लिया तो ये कितने से गया 13 से, और ये कितने गया से गया 4 से, 4 गुना में 3 12, यानी 1:52। तो आपकी रेशियो क्या आ गई, सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गई, सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 3:1। ठीक है, चलिए।
अवन, आप कह रहे हैं वीडियोस प्राइवेट दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्स को क्लासेस देखना चाहते हैं ना, कंप्लीट कोर्स क्लासेस के लिए टू व्यू कंप्लीट कोर्स क्लासेस आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9261007777। ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर लीजिए, रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, एक बार अंकिता क्या कह रहे हैं, सर न्यू रेशियो एक बार शॉर्ट में बता दो कैसे आया। सुनो, दोबारा से सुनो, न्यू रेशियो पर दोबारा वापस आओ। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा कि जो ए और बी की रेशियो है वही रेशियो, सेम रेशियो होनी चाहिए बी और सी की भी। बट इसने जब ए और बी की रेशियो जो है वही रेशियो बी और सी की कहा, तो इसमें ये थोड़ी ना कहा कि अब रेशियो ए और बी की बदल जाएगी, इनकी आपस में रेशियो तो वही रहनी चाहिए। सुनो, तो मैंने कहा कि ठीक है मान लेते हैं कि रेशियो वही रहनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि मान लो एक्स को, नो सॉरी, सी की रेशियो, क्या सी की रेशियो मान लेते हैं एक्स, या शेयर मान लेते हैं एक्स दिया हमने उसको। अब क्योंकि रेशियो बी और सी की 3:1 है, बी और सी की रेशियो क्या है 3:1 है, तो अगर एक्स सी का एक्स है तो बी का क्या आएगा 3x, ठीक है? अब हमने कहा बी का 3x हो गया। इसके बाद हमने कहा ए के लिए, ए का क्या है, ए का रेशियो आपस में ये बी का भी 3 गुना है, बी का भी 3 गुना है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9x आ गया। इसी का मैंने एक्स कॉमन फैक्टर हटा दो, तो मैंने कहा 9:3:1 हमारे पास रेशियो आ गई, ठीक है? चलिए और बताइए जी, और क्या क्वेरीज हैं?